अस्सलाम दादी। वालेकुम अस्सलाम आसिर। अरे बेटा, मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम जाके अरसम को समझाओ, उसे वापस लेकर आओ। तुम तो खुद वहाँ के होकर रह गए। जी दादी, असल में मैं वहाँ से जल्दी वापस आ गया था। वापस आ गए हो अकेले? लो, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो आई एम सॉरी दादी, एक इमरजेंसी आ गई थी इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरा एक दोस्त है, उस थोड़ा बीमार हो गया था, लेकिन मैं दोबारा ज़रूर जाऊँगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा, खैर बात तो हुई होगी ना, कुछ उसको समझ में आई बात? क्या इरादे हैं उसके, उसने कुछ बताया? दादी लंबी बात है, मैं किसी रोज़ आपके घर आके आपको खुद बताऊँगा। अच्छा खैर, अब मुझे तुमसे एक बात और करनी है। जी देखो, महरीन के साथ तो तुम्हारा रابطہ रहता ही है ना, भूले से भी उससे जिक्र ना करना कि अरसम इस रिश्ते पर राजी नहीं है। अरे बेटा, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, वो भी सुलझे हुए लोग हैं, वो ये बात सुनेंगे तो हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। जी दादी, आप बेफिक्र हैं। हाँ, बस तुम टाइम निकालो और आओ मेरे पास। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाभी, मैं ना ये कहने आई थी आपसे कि उजाला बिल्कुल खुश नहीं है, उसको तो जैसे बेचारी को चुपसी लग गई है। ओ खैर है, ठीक हो जाएगी, इतने बड़े घर में ब्याह के जाएगी, इतने अमीर आदमी के साथ बड़ी गाड़ी में घूमेगी तो खुद ही खुश हो जाएगी। भाभी, हर एक का मायार ना पैसा नहीं होता। ओ क्या मतलब है तेरा है? क्या मैंने पैसे देख के रिश्ता तय किया है? वो इतना आला तालीम याफ्ता मुंडा है, वो इतना तमीजदार, और इस मैडम के नखरे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। भाभी, जिसका दिल पहले से ही आबाद हो ना, वहाँ किसी नए मेहमान के लिए ना जगह नहीं बनती, चाहे वो नया मेहमान कोई राजा महाराजा क्यों ना हो। दो चपेड़े लगा के ना सारे नाक के जरिए निकाल दूंगी मैं उसकी, बड़ी आई। भाभी प्लीज, उजाला पे जुल्म ना करें। बात सुन मेरी, ये मेरी अकेली का फैसला नहीं है, उसके बाप की भी रजामंदी शामिल है इसमें। और देख ले मेरीन, मैंने पहले भी तुझे कहा था, तुम दोनों बहनों ने जो नाक कटाई है ना भाई की, जरा सा मान नहीं रखा उसका। मैं उजाला को ये नहीं करने दूंगी, उसे अपने बाप का मान रखना पड़ेगा, नहीं तो जान से मार दूंगी मैं उसको। हाँ भाभी प्लीज। बस खामोश, जाओ जाके समझाओ उसे, मुझे समझाने आ गई है, बता दे उसको कि भूल जाइए माजी की पुरानी बातें। और हाँ, तेरी तो आजर से भी बात होती है, याद रख मरीन, अगर तूने आजर के कान में ये बात डाली कि उजाला इस रिश्ते पे राजी नहीं है, तो फिर देख, मैंने भी तेरी आजर से नहीं होने देनी शादी, याद रखना। हाँ।